बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ FDEST कंप्यूटर की जो अनऑफिशियल मेरिट लिस्ट है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली जो वो हर प्रोविंस का जो वो अलग मेरिट बनता है, और इसी तरह मेल फीमेल का भी जो वो अलग मेरिट बनता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कूल वाइज मेरिट बनेंगे या जनरल, तो जनरल मेरिट बनेगा, ओवरऑल मेरिट बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस्लामाबाद से। तो मैं अभी जो कंप्यूटर इस्लामाबाद मेल की बात करने जा रहा हूँ। तो मैक्सिमम नंबर सर शाम ने जो है वो हासिल की 33, मिनिमम नंबर 33 और मैक्सिमम नंबर असफर इकबाल साहब ने 50 नंबर जो है वो हासिल किए हैं। और एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो इस्लामाबाद का मेल का 40 रहने के चांसेस हैं। फीमेल इस्लामाबाद की जाए तो मिस मेरी ने जो 33 नंबर हासिल किए, और मिस सरोज मजीद ने जो मैक्सिमम 46 नंबर हासिल किए। तो मैक्सिमम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरिट है वो 40 रहने के चांसेज हैं। उसके बाद जो पंजाब की बात की जाए, पंजाब ने सर अब्दुल्ला वलीद, इन्होंने 35 नंबर कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा मोहम्मद अहमद ने 57 नंबर हासिल किए, और एक्सपेक्टेड मेरिट 56 रहने के चांसेस हैं। और फीमेल की बात की जाए तो मिस तहरीम ने जो 32 नंबर हासिल किए, मिस बनूर में 32 नंबर हासिल किए, और मैक्सिमम नंबर हासिल किए हैं मिस मस्तूरा ने, इन्होंने 60 नंबर हासिल किए, और एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो 52 रहने के चांसेज हैं। उसके बाद सिंध की बात की जाए तो सर फहीम ने जो 25 नंबर हासिल किए, और सर वाजिद ने जो 53 नंबर मैक्सिमम हासिल किए, तो एक्सपेक्टेड मेरिट 42 रहने के चांसेस हैं। तो फीमेल सिंध की बात की जाए तो मिस फनीसा ने 38 और मिस तंजीला ने जो 47 नंबर हासिल किए, तो एक्सपेक्टेड मेरिट 46 रहने के जो चांसेस हैं। तो इसमें जो वो थोड़ी सी शी है कि अर्बन और रूरल का जो वो अलग से डेटा मुझे अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से मैंने सिंध को कम्बाइन करके जो वो आपके सामने शो किया। तो अभी जो आगे KPK की बात की जाए तो सर इब्रार, इन्होंने 33 कम से कम नंबर हासिल किए, और सर शाहजेब, इन्होंने 49 नंबर हासिल किए, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरिट 50 रहने के चांसेस हैं। और फीमेल की बात की जाए तो मिस फजिया ने जो 36 नंबर और मिस खदीजा ने जो 47 नंबर हासिल किए, तो एक्सपेक्टेड मेरिट जो 48 रहने के चांसेस हैं। उसके बाद बलूचिस्तान की बात की जाए तो सर तीन मोहम्मद ने 34 नंबर और सर सनाउल्ला ने जो 40 नंबर हासिल किए, तो एक्सपेक्टेड मेरिट 42 रहने के चांसेज हैं। तो फीमेल बलूचिस्तान ने मैं जब वो किसी ने भी मेरे साथ नंबर शेयर नहीं किए तो मैं कोई गाइड नहीं कर सकता। HAK की बात की जाए तो सर अदील ने जो 54 नंबर हासिल किए, तो एक्सपेक्टेड मेरिट 59 रहने के चांसेस हैं। और फीमेल HAK की बात की जाए तो मिस बुशरा ने 36 और मिस मैविश ने जो 61 नंबर हासिल किए, तो एक्सपेक्टेड मेरिट 54 रहने के चांसेज हैं। फाटा की बात की जाए तो सर सिराजुद्दीन ने जो 47 नंबर हासिल किए, तो एक्सपेक्टेड मेरिट मेल का जो 52 रहने के चांसेस हैं, और फीमेल ने किसी ने भी नंबर शेयर नहीं किए। आगे गिलगित की बात की जाए तो ना मेल ने ना फीमेल ने किसी ने नंबर शेयर नहीं किए, तो मैं इस हवाले से आपको जो है वो गाइड नहीं कर सकता। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये अनऑफिशियल लिस्ट है, इससे आप जो वो मैक्सिमम नंबर मिनिमम नंबर ये चीज़ इन चीज़ों का अंदाज़ा और रफली जो मेरिट का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई इसको जो वो फाइनल फुल एंड फाइनल ना समझे। ऐसा ना हो गए मैं कट ऑफ मेरिट 50 बताऊं और कोई किसी बंदे के जो 48 नंबर हासिल हों और वो फिर परेशान होता फिर कि मेरे तो जो 48 नंबर है मैं दो नंबर से रह गया हूं। तो आप जो फाइनल जो कॉल होती है उसका इंतज़ार करें, FDE की तरफ से जो ऑफिशियल कॉल होती है उसका इंतज़ार करें, क्योंकि वही जो फाइनल चीज़ है उसी से आपको जो पता चलेगा। तो बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये कि आपने इस बात से जो वो परेशान नहीं होना कि मैं मेरिट से जो दो नंबर से रह गया हूँ या ये है, क्योंकि ये अनऑफिशियल मेरिट लिस्ट है। तो मैंने बस यही आपसे कहना था। अब मैं तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।